और दिल्ली में आज एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दोपहर 3 बजे होगा। आम आदमी पार्टी दोपहर 3 बजे विरोध प्रदर्शन करने वाली है एलजी आवास के बाहर। कारण वही जो हम आपको मनीष सिसोदिया का पूरा जो पक्ष सुना रहे थे, जो मुख्यमंत्री का पक्ष हम आपको सुना रहे थे कि शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए उन्हें फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है, उपराज्यपाल की ओर से फाइल को अटकाया जा रहा है। दिसंबर में जो 30 टीचर्स फिनलैंड जाने वाले थे ट्रेनिंग के लिए, उन्हें नहीं जाने दिया गया। और अब मनीष सिसोदिया को यह आशंका है कि मार्च में जो टीचर्स जा सकते हैं फिनलैंड, जो कि इस एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव ला सकते हैं, फिनलैंड का वो विश्व विख्यात तरीका जिसके माध्यम से फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम आज पूरे विश्व में नंबर वन पर आता है, वहां से अगर सीख लेने को मिलती है तो वो सीख क्यों न ली जाए, वो प्रशिक्षण क्यों न दिया जाए टीचर्स को। और ऐसे में जब ये मांग नहीं मानी जा रही है एलजी की ओर से, तो उपराज्यपाल आवास के बाहर दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। हमने आपको बताया कि मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, दोनों ने ही इस मुद्दे को बहुत ही मुखरता के साथ उठाया। वो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की तस्वीर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तो खूब बदली, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों का ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या कहें सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेहतर भविष्य के लिए।